हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीआरएस टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे, किस तरीके से मैंने केसिंग पट्टी के द्वारा पूरा वायरिंग करके बताया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वायरिंग करके बताया है। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 1 इंची केसिंग पट्टी का पूरा वायरिंग करके बताऊँगा। 1 इंची का केसिंग पट्टी है। सबसे पहले मार्किंग कर देंगे, इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। अभी मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूँगा लाइट का, दूसरा पॉइंट पंखे का लूँगा और तीसरा एक लाइट का लूँगा फिर, और यहाँ पे बोर्ड लगाऊँगा। तो पहले सबसे पहले एक मार्किंग कर देते हैं। पहले यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ से इसको काट लेता हूँ मैं। एग्जा ब्लेड की मदद से आपको काट लेना है, कुछ इस तरीके से काट लेना है। और इसको अब मैं ड्रिल मशीन की मदद से उसको लगा दूँगा। इस तरीके से लगा दिया। अब जंक्शन बॉक्स, ये जंक्शन बॉक्स है, ये जंक्शन बॉक्स है, टू वे जंक्शन है ये, कुछ इस तरीके से लगा दिया। अभी इसको फिक्स नहीं करना है। अब दूसरा, अब यहाँ पे एक पंखे का कनेक्शन करना है, पंखे का पॉइंट देना है। तो इसके लिए मैं इसको केसिंग पट्टी को काट लूँगा, नाप दे के यहाँ से इसको काट लूँगा। अभी इसको काट लिया, अब इसको मैं फिक्स कर दूंगा, इसको ड्रिल मशीन की मदद से लगा दूंगा। अभी ये 1 इंची का स्क्रू लगा रहा हूँ मैं। दीवार में भी आप लगाओगे तो दीवार में 1.5 इंची का स्क्रू लगेगा। आपको होल करके पहले ग्रिप लगाना है, फिर केसिंग पट्टी लगा के इसको लगाना है, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे टेम्पररी आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं ऐसे ये लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक जंक्शन लगा दूँगा, एक से जंक्शन लगा दूँगा और अब ये वाला नाप ले लूँगा। अभी ये पंखे का हो गया, ये काट के इसे लगा दूँगा। मार्किंग करके काट लिया, इस तरीके से नाप ले लिया और इसको होल करके लगा दूँगा मैं। मार्किंग करने के लिए लगा रहा हूँ अभी मैं ये, अभी इसको निकाल देंगे बाद में। इस तरीके से लगा के अब यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे, उसके लिए काट लेंगे। उसके लिए मैंने काट लिया, अब इसको लगा दूंगा मैं। कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब बोर्ड को फिक्स कर देंगे, अब बोर्ड का मार्किंग कर देंगे। ये फिक्स हो गया। अब इसमें वायरिंग किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक। सबसे पहले ये जंक्शन बॉक्स को निकाल देंगे। अभी मैंने इसको फिक्स नहीं किया है, अभी आपको भी ये फिक्स नहीं करना है। सबसे पहले अब इसको वायरिंग करने के लिए मेन वायर, पहले सबसे पहले मेन वायर लगा देंगे। सबसे पहले मेन वायर लगा देंगे, MCB से लेंगे मेन वायर। अभी मैंने 2 का वायर लिया, 2 SQ और MM का वायर लिया है। आप 2 का या 2.5 का ले सकते हो मेन के लिए। ये लगा देना है इस तरीके से। अभी मैं जंक्शन बॉक्स लगा दूंगा। अभी पहले एक जंक्शन बॉक्स लगा दूंगा और एक पट्टी लगा दूंगा, ये पट्टी कंप्लीट कर दूंगा। इसको पट्टी लगा के अभी हमारा वायर इसमें नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये पट्टी लगा दिया। अब एक जंक्शन बॉक्स लगाऊंगा। अभी ये मेन वायर को पहले ले लेता हूँ मैं बोर्ड में। अभी मेन वायर ले लिया मैंने, अब यहाँ पर एक लाइट लगाएंगे। अभी इसको अभी फिक्स नहीं करना है अभी भी इसको। अब यहाँ पे एक लाइट लगाएंगे, उसके लिए एक न्यूट्रल और एक फेस लेंगे अलग से। इसमें से ये न्यूट्रल से नहीं लेना है, न्यूट्रल अलग से एक न्यूट्रल बोर्ड से लेना है और फेस इसके लिए लेना है। उसके लिए मैं 2 वायर डालूँगा। इस तरीके से मैंने एक न्यूट्रल और फेस ले लिया, अब इसमें लगा दूँगा मैं इस तरीके से। इस तरीके से लगा देना है, अब इसको फिक्स कर सकते हो। इस तरीके से लगा के आप इसमें कील या स्क्रू, बड़ा वाला स्क्रू आता है 3 इंची का, वो लगा के इसको फिक्स कर सकते हो इस तरीके से। अब इसको लगाने के लिए एक होल्डर लूँगा,
यहाँ पे एक बल्ब लगाऊंगा, इसके लिए एक होल्डर लिया मैंने, एक बल्ब लगाऊंगा तो एक होल्डर ले लिया मैंने। अब होल्डर में न्यूट्रल फेस लगा देंगे दोनों वायर। कुछ इस तरीके से लगा देना है और अब स्क्रू इसमें लगा देंगे। अब इस तरीके से इसमें स्क्रू लगा देना है, दो इस तरीके के स्क्रू आएंगे, उसको इसमें लगा के फिक्स कर देना है इसको। इस तरीके से लगा देना है। अभी ए भी, ए पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया तो इसमें कवर लगा देंगे ऊपर का, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे पंखे का जो फैन है उसका पॉइंट लेंगे, उसके लिए एक जंक्शन बॉक्स, इस तरीके का जंक्शन बॉक्स लेंगे और इसमें सीलिंग, पंखे का जो सीलिंग रोज होता है उसको तो सीलिंग रोज बोलते हैं, इसको लगा देंगे इस तरीके से। तो उसके लिए एक न्यूट्रल और एक फेस लेंगे पंखे के लिए। तो मैं एक न्यूट्रल और एक फेस ले लेता हूँ, एक फेस ले लेंगे और न्यूट्रल, न्यूट्रल जो इसके लिए लिया है ए पॉइंट के लिए अलग से डाला है, उसमें से ही कट करके एक न्यूट्रल ले लेंगे, उसे कट करके कट किया कर दिया मैंने पहले से, इसमें से जॉइंट करके एक फेस ले लिया और न्यूट्रल इसमें से ही जो इसके लिए वायर लिया है उसमें से ही कट करके न्यूट्रल ले लेंगे। इस तरीके से लगा देंगे और दो स्क्रू की मदद से इसको फिक्स कर देंगे। अब एक फैन लगा देंगे, ये मेरे पास ऐसी फैन है, इसको लगा दूंगा मैं, ठीक है। इसका भी न्यूट्रल फेस है, इसको ये इसके कवर में से ऐसे निकाल के इस तरीके से लगा दूंगा इस तरीके से। ये कंप्लीट हो गया, अब ये इसका कवर लगा दूंगा मैं। लाइट का पॉइंट है, उसके लिए मैं एक जंक्शन लगाऊंगा इसको तरीके से। अब एक होल्डर लगेगा इसके लिए, एक फेक्स वायर ले लिया, इससे निकाल लिया मैंने। अब न्यूट्रल जो ये दोनों पॉइंट के लिए जो न्यूट्रल अलग से वायर डाला है उसमें से ही कट करके एक वायर ज्वाइंट कर देंगे न्यूट्रल के लिए। एक कवर भी लगा दूंगा, ये अभी मैंने फिक्स नहीं किया जंक्शन बॉक्स, आप फिक्स कर सकते हो, मैं टेम्परी आपको बता रहा हूँ इसलिए मैंने फिक्स नहीं किया। न्यूट्रल के लिए तीनों के लिए एक ही वायर ले रहा है, जो न्यूट्रल वायर है वो तीनों पॉइंट है उसके लिए एक ही लेना है। जैसे अपने यहाँ पाँच पॉइंट है तो पाँचों के लिए एक ही न्यूट्रल वायर लेना है अलग से, है ना। जो मेन वायर है, जो मेन न्यूट्रल है उसमें से कट नहीं करना है। ये हो गया कंप्लीट। मैं आप बोर्ड का कनेक्शन आपको बताता हूँ किस तरीके। दोस्तों ये बोर्ड में किस तरीके से मैंने कनेक्शन किया है, ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया किस तरीके से मैंने कनेक्शन किया हुआ है। आइए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन करके बताता हूँ, जो वायर आया है उनका कनेक्शन करके बताता हूँ। सबसे पहले जो न्यूट्रल और फेस है उसको लगा देंगे,
तो फेस जो है वो लिंक में लगा देंगे, जो लिंक लगा हुआ है स्विच का उसमें लगा देंगे फेस को। और जो न्यूट्रल है और ये जो पॉइंट का न्यूट्रल है इनको दोनों को कॉमन कर देंगे। जो 5 पिन सॉकेट है उसमें एन लिखा है, उसमें ए न्यूट्रल को लगा देंगे। अब चेक करने के लिए पहले लाइट को लगा देंगे इसमें, तरीके से लगा दिया दोस्तों। अब ये तीनों पॉइंट के एक ही कलर है, तीनों पॉइंट का जो लिया है एक ही कलर कोडिंग है इसका। तो आप इसको कैसे पता चलेगा कि ये फैन का है कि ये दो लाइट का है, कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप उनको पावर दे देना है, MCB ऑन कर देना है। अब एक एक को लगा के देखना है, इसमें जो फेस है उसमें लगा के देखना है। ये तो ये एक लाइट का हो गया, तो इसको एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे। कौन से स्विच में अपन को कनेक्ट करना है? तो मैं ये फर्स्ट वाले स्विच में, सॉरी इसको सेकंड वाले स्विच में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब ये दो वायर है, दोनों में से चेक करना है कौन सा किसका है। तो ये फैन का है, ये फैन का है, तो फैन वाले स्विच में इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब वो लाइट का हो गया, तो ये लाइट का ये तीसरे नंबर स्विच है, उसमें कनेक्ट कर दूंगा मैं। अब ये बोर्ड को फिट कर देंगे। ये 4 स्क्रू लगा के इसको फिट कर देना है। अब मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। जैसे ए स्विच हो गया ए लाइट का, इसको स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो गया, और ऑफ किया तो बंद हो गया, ठीक है, ए हो गया। अब ये दूसरा वाला लाइट का है, दूसरा वाला स्विच और दूसरे वाला लाइट का है, इसको बंद चालू करेंगे हो गया। अब ये फैन का है, तो ये फैन चालू हो गया। अपना रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। ये देखिए ये कम हो गया स्पीड पूरा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।